चलिए बेटा, आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जिस टॉपिक का नाम क्या है, ये है बेटा शेयर इशूड फॉर कंसीडरेशन। अदर देन अब दिमाग में ये चीज आती है, क्या सर शेयर इशू किए जा सकते हैं अदर देन कैश कंसिडरेशन में रखते हुए? बिल्कुल बेटा, ये भी चीजें संभव है कि हम शेयर इशू दे कर सकते हैं अदर देन कैश। ठीक है, अब हमें क्या चीज समझनी है इसके बारे में, एक चीज लिखते हैं बेटा, समझिए ध्यान से लिखते हैं। अ कंपनी में इशू शेयर्स फॉर कंसीडरेशन। अदर देन कैश सच एज अगेंस्ट परचेज ऑफ एन एसेट्स और परचेज ऑफ बिजनेस। बेटे ध्यान से समझो, क्या चीज समझा रहे हैं सर? सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो कंपनी है ना, वो इशू कर सकती है, क्या शेयर इशू कर सकती है कंसीडरेशन के लिए, लेकिन कंसीडरेशन अदर देन कैश हो सकता है। सही है जी, कैश ना लेके वो कुछ और चीजें ले सकती है, जैसे अगेंस्ट वो क्या करे, परचेज कर ले कोई एसेट, या क्या करे, परचेज कर ले। तो आप कोई भी परचेज कर सकते हैं और उसके बदले आप क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, अब बड़े ध्यान से समझो, एक चीज और बताते हैं आपको, ध्यान से लिखिएगा। परचेज ऑफ एन एसर्ट्स और परचेज ऑफ बिजनेस। इशू ऑफ शेयर्स आर टू सेपरेट ट्रांजैक्शन। बड़े ध्यान से समझो मेरे बच्चे, क्या समझाना चाह रहे हैं सर? सर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी आप कोई एसेट्स परचेज करो या आप बिजनेस परचेज करते हैं, तो ये टू सेपरेट ट्रांजैक्शंस होती हैं और उसको अलग अलग तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है। किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो आपने समझना है, ध्यान से समझिएगा। देखो ध्यान से इनकी जर्नल एंट्रीज पास आउट करते हैं और समझते हैं। देखो क्या जर्नल एंट्री पास आउट होती है, बड़े ध्यान समझो। पहला परचेज ऑफ एसेट्स, अगर आपने क्या करा है, एसेट्स परचेज करी है, तो क्या ट्रांजेक्शन्स हैं उसके बिहाफ पर आप जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या होगी, सन्ड्री एसेट्स
अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। जिस भी आदमी से आपने ये सामान खरीदा है तो उसका नेम आ जाएगा, टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर हो गया? यहां पर जो आप लिखेंगे ये क्या होगा मेरे बच्चे, परचेज प्राइस होगा। ठीक है, आई बात समझ में? और यहां पर जो होगा आपका पेमेंट होगी, जितने की आप पेमेंट कर रहे हैं। इसको बेटे आप लोग क्या कहते हैं, इसको एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन, ठीक है? अब ये चीज समझ में आ गई आपको। यहां पर आपने एक चीज परचेज करी, लेकिन ये क्या है, एक एसेट्स परचेज करा तो क्या चीज होती है, तब ये एंट्री करते हैं। अगर आप बिजनेस परचेज करते हैं तो क्या एंट्री करेंगे, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। आपने क्या करा, बिजनेस परचेज कर लिया तो क्या एंट्री करेंगे, तो यहां क्या लिखेंगे, सुंडरी एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहां पर लिखेंगे बच्चे गुडविल अकाउंट डेबिट। इस पे एक स्टार बना लेते हैं, अभी इसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है जी, टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। आप बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस पे भी एक स्टार बना लेते हैं, समझते हैं ये क्या चीज़ है। बच्चे जब आप कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उसकी सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज जो है आप परचेज कर देते हो, तो आपको पता ही है जो एसेट्स होती है वो तो डेबिट हो जाएंगी और जो आपकी लाइबिलिटीज होती है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आप बड़े ध्यान से समझो, ये सर ये गुडविल और ये कैपिटल रिजर्व का क्या मतलब है, अभी इसको आप समझाते हैं गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे काम करता है। उससे पहले ये समझो कि जो वेंडर अकाउंट है उस वेंडर अकाउंट के खाते में जो चीज लिखी जाएगी उसको आप क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। देखो ध्यान से, ये होता है परचेज कंसीडरेशन। अब बड़े ध्यान से ना समझने की कोशिश करना कि परचेज कंसीडरेशन जो है सर ने पहले भी लिखवाया और अब भी लिखवा रहे हैं, ये होता क्या है, ये समझाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान समझो, परचेज कंसीडरेशन होता क्या है, द परचेज कंसीडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय द परचेजिंग कंपनी इन कंसीडरेशन फॉर परचेज फॉर अ एसेट्स अ बिजनेस और अदर एंटरप्राइजेस। जब एक पर्सन जो है, यानी कि आप ये मान के चलो कि यहां पर जो है ये परचेजर है और ये सेलर है, ये पर्सन जो इसके अमाउंट को या इसकी एसेट्स को या इसके बिजनेस को परचेज कर रहा है, उसके बदले जो भी अमाउंट, यानी कि ये जो भी अमाउंट क्या करता है, पेड करता है, ये जो भी अमाउंट पेड करता है सेलर को, इसको क्या बोलते हैं आप, परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, परचेज कंसिडरेशन, यानी कि परचेज कंडीशन कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेड बाय अ परचेजिंग कंपनी, यानी कि परचेजिंग कंपनी जो भी चीज खरीदती है और उसके बदले जो पेमेंट करती है उसे परचेज कंसिडरेशन कहते हैं। बात समझ में आ गया, यहाँ तक चीज समझ में आ गई? अब बड़े ध्यान सुनो, कई बार क्वेश्चंस कुछ होते हैं जो साइलेंट होते हैं, इट मे बी गिवन इन द क्वेश्चन अदरवाइज इट विल बी टू नेट एसेट्स। कई बार वो क्वेश्चंस में गिवन होता है बेटा, अगर गिवन नहीं है तो क्या होगा, वो नेट एसेट्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, नेट एसेट्स हो जाएगी। नेट एसेट्स कैसे निकालते हैं,
जितनी भी आपकी सन्ड्री एसेट्स हैं उसमें से सन्ड्री लाइबिलिटीज माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उस अमाउंट को आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे परचेज कंसिडरेशन, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये आपके पास चीज निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये तो कहानी होगी परचेज कंसिडरेशन की, जो मैंने आपको कहाँ लिखवाया, जब आपने एसेट्स परचेज करा तो परचेज कंसिडरेशन दिया, और जब आपने बिजनेस परचेज करा तो आपने परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करी। अब दिमाग में चीज आती है कि सर दो चीजें तो आपने बताई, लेकिन एक चीज यहाँ पर ये है कि ये जो गुडविल है और ये कैपिटल है, ये रिजर्व, ये गुडविल और कैपिटल रिजर्व कहाँ से आया? बच्चे देखो, जब कभी भी आप जर्नल एंट्री पास आउट कर रहे होंगे तो पास आउट करते वक्त आपने ध्यान रखना है या तो गुडविल अकाउंट आएगा या कैपिटल रिजर्व अकाउंट आएगा। सर गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट का क्या होगा, किस तरीके से आएगा, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से समझो बेटा, इसके लिए आप क्या करो, लिखो एक नोट, इफ परचेज कंसिडरेशन सही है जी, गिवन इज मोर देन, यानी कि आपके पास जो भी चीज है वो क्या है, मोर देन नेट एसेट्स, क्या है मेरे बच्चे, वो मोर देन है नेट एसेट्स से, सही है जी, देन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस आया सही है, डिफरेंस इज डेबिटेड, इज डेबिटेड टू गुडविल, ये आपके पास क्या आ जाएगा, गुडविल, गुडविल अकाउंट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बड़े ध्यान से समझो कि जो परचेज कंसिडरेशन है वो क्या है, ज्यादा है नेट एसेट से, यानी कि अगर एसेट्स की वैल्यू से ज्यादा है, आपने एसेट्स की वैल्यू निकाली तो ज्यादा वैल्यू निकल के आ रही है, तो वो जो अमाउंट डिफरेंस करके निकलेगा उसको आप गुडविल कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, गुडविल अकाउंट कहा जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये गुडविल अकाउंट आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डेबिटेड हो जाएगा। तो ही सीखा आपने सीखी कि जर्नल एंट्री में गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है। बात समझ में आ गई? दूसरी चीज समझो कि अगर आपके पास सही है जी, दूसरा तो आपका ये वाला नोट हो गया, अब दूसरा समझो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इफ परचेज कंसीडरेशन, ध्यान से समझिएगा, परचेज कंसीडरेशन गिवन इज लेस देन, बेटा ध्यान से समो, लेस देन नेट एसेट्स, देन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इज क्रेडिटेड, क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, इज क्रेडिटेड, ये क्रेडिटेड हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर आपने ध्यान क्या रखना है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व के अकाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो कंपैरिजन चलेगा परचेज कंसिडरेशन का कि भैया वो मोर देन है या लेस देन है, अगर मोर देन है तो अकाउंट आ जाएगा, अगर लेस देन है तो वो बेटा कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ध्यान से समझने की कोशिश करो कि भैया किस तरीके से आपके पास ये जो है कब कब कैपिटल रिजर्व आएगा और कब कब ये आपका सही है जी इस तरीके से निकल के आएगा। अब बड़े ध्यान से समझो कि सर क्या इसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्या हमें कुछ समझना पड़ेगा? हाँ बच्चे, इसके लिए हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी, वो चीज समझते हैं। देखो ध्यान से, मैं क्वेश्चन आपके लिए ले लेता हूँ, सही है जी, वो क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद एक चीज डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनो,
ये क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है माधव लिमिटेड परचेज मशीनरी फॉर ₹6 लाख। तो बेटा कितने का कंसिडरेशन हो गया, 6 लाख रुपए का फ्रॉम कृष्णा लिमिटेड। पेमेंट इज टू बी मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर। उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, हम ₹10 के शेयर की वैल्यू पेमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब हम परचेज क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं 6 लाख की मशीन, और हमारे शेयर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है, ₹10 है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स, सही है जी, नेट इश्यूड टू कृष्णा। तो कितना हमें क्या है, कृष्णा को लिमिटेड को पैसा देना पड़ेगा। अब हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हम शेयर क्या करें पार वैल्यू पे इशू करें, या हम प्रीमियम वैल्यू पे। तो इन दोनों अलग अलग कंडीशंस में हम कैसे करेंगे वो चीज समझते हैं। बड़े ध्यान से समझो, यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त आपने क्या करना है कि अगर आपके इशूड हुए हैं पार पर, तो आपके लिए क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन। अपॉन में इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। अब बड़े ध्यान से सुनो, इसमें समझने की कोशिश करो। देखो मेरे बच्चे, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन है कितना, यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन तो 6 लाख रुपीज है, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो बदल रहे हैं। ध्यान से समझो, इसमें कितने हैं, यहाँ पर पार वैल्यू है और यहाँ पर क्या मेरे बच्चे, प्रीमियम वैल्यू है। यानी कि अगर आप पार वैल्यू पे क्वेश्चन करेंगे, तो यानी कि एट पार पर अगर आप क्वेश्चन करते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर हमारे पास नंबर परचेज कंसिडरेशन है 6 लाख रुपीज, तो ये तो हो जाएगा 6 लाख रुपीज मेरे बच्चे, ठीक है। और 6 लाख रुपीज को डिवाइड कितना करेंगे, पार वैल्यू कितनी है, 100, सही है जी, पार वैल्यू है आपकी 10 रुपीज, यहाँ पे 10 रुपीज लिखा है ना, तो ये पार वैल्यू हम इसको 10 कर देते हैं, तो ये हो गई आपकी पार वैल्यू 10 रुपीज। बात समझ रहे हैं, तो 10 रुपीज इसको सही करके लिखते हैं, ये सही करके, हाँ ये आया आपका 10 रुपीज। तो इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकल के आ जाएंगे मेरे बच्चे, पार पे निकल के आ जाएंगे 60,000 शेयर्स। बात समझ में आ गई, क्लियरिटी हो गई बात समझ में। यही चीज अगर आपके पास क्या है, प्रीमियम पर है, ठीक है जी, क्या है प्रीमियम पर, सर तो परचेज कंसिडरेशन तो मेरे बच्चे ये तो आपके पास कितना है, ये तो आपका 6 लाख रुपीज ही है, लेकिन इश्यू प्राइस ऑफ शेयर 20% से बढ़ा के कर रहे हैं, यानी कि 10 रुपीज प्लस इसका 20%। तो 10 का 20% कितना होता है बेटा, 10 × 20/100, तो कितना आया मेरे बच्चे, इसको सॉल्व करके आया 2 रुपीज, तो 2 रुपये यहाँ आ गए, तो 6,000, सही है, 6 लाख, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 50,000 शेयर। बात समझ में आती है कि नहीं आती, अगर पार वैल्यू होगी तो फेस वैल्यू आ जाएगी, प्रीमियम वैल्यू होगी तो फेस वैल्यू में जितना वैल्यू एक्स्ट्रा है वो ऐड हो जाएगा, और उससे डिवाइड करके जो वैल्यू निकल के आएगी वो चीज आपके नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पर कितने शेयर हैं, यहाँ है आपके 60,000, यहाँ कितने हैं आपके, यहाँ है आपके 50,000, और ये फॉर्मूला आपने लगाना है। बात समझ में आ गई, ये तो होता है मेरे बच्चे कैलकुलेशन, कि किस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और समझेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व
सॉल्व किए जाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो अब इसी तरीके से हम एक क्वेश्चंस करते हैं, जिस क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या है, कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी होगी और उन जर्नल एंट्रीज को करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, देखते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चंस एक और ले लिया गया है, जिसके अंदर हमें क्या है, एंट्रीज पास आउट करनी है। सही है जी। अब इस एंट्रीज को पास आउट करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझते हैं। कहते हैं, माधव टॉयज लिमिटेड परचेज अ बिजनेस ऑफ गोविंद ब्रदर्स फॉर रुपीज, कितना है, 1,80,000। सही है, पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। क्या कह रहा है कि ये जो जितनी भी पेमेंट की जाएगी वो किससे करी जाएगी, आपके शेयर से पेमेंट की जाएगी। बात समझ रहे हैं? व्हाट एंट्री विल बी पास्ड इन द बुक ऑफ माधव टॉय लिमिटेड, उनके बुक में किस तरीके से एंट्री पास आउट की जाएगी। तो मेरे बच्चे सीधी सीधी बात है, उन्होंने जो है 1,80,000 की चीज खरीद लिया, तो आप क्या करेंगे, आप एंट्री पास आउट करेंगे। पहले तो पहले जो एंट्री पास आउट होगी वो एंट्री क्या होगी, एसेट्स परचेज करने की होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट टू कौन सा ब्रदर्स है, गोविंद ब्रदर्स। तो गोविंद ब्रदर्स, बात समझ रहे हैं, कितने का सामान है जी, 1,80,000। स्टूडेंट समझ में आ रही है बात आपको? ये तो हो गया बेटा खरीदने की एंट्री। तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग द परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक, फ्रॉम गोविंद ब्रदर्स। मेरी बात समझ में आ गई, ये क्लैरिटी हो गई आपकी, यहां पर ये चीज आपके पास आ गई है। अब ये जो 1,00,000 आपने 80,000 है, ये जो 1,80,000 है, ये 1,80,000 की पेमेंट करनी है भैया। अब पेमेंट किससे करनी है, कैश से तो करनी नहीं है, कैसे करनी है, इक्विटी शेयर दे के करनी है। तो अब इक्विटी शेयर दे के करनी है तो उसको समझते हैं। तो यहां से समझो कि उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी अगर हम इक्विटी शेयर से पेमेंट करते हैं। तो मेरे बच्चे पेमेंट करते वक्त आपने देखना है क्या मेरे शेयर की वैल्यू पार वैल्यू है या प्रीमियम वैल्यू। बेटा पार वैल्यू होगी या प्रीमियम वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, मेरे शेयर्स की वैल्यूज बदल जाएगी। ठीक है, पहले हम समझते हैं पार वैल्यू। तो मेरे बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या फॉर्मूला होता है, परचेज कंसिडरेशन। डिवाइडेड बाय क्या, इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। अब भाई परचेज कंसिडरेशन है कितना, पार पर की बात कर रहे हैं, पार पे परचेज कंसिडरेशन है 1,80,000, 1,80,000। इशू प्राइस इज 10, देन वैल्यू इज 18,000 शेयर। ये आपके 18,000 शेयर आ गए। अब हम क्या करेंगे, गोविंद ब्रदर्स को 80,000 की पेमेंट कर देते हैं। तो भैया ये लो पेमेंट हो रही है, यानी कि शेयर्स दिए जा रहे हैं। तो गोविंद ब्रदर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है, कितने इक्विटी शेयर कैपिटल, 18,000। तो यहां पर आप लिख सकते हैं 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ जाएगा बच्चे, 1,80,000। बात समझ में आ गई, क्लैरिटी हो गई। चलो जी इसकी नरेशन भी लिख देते हैं। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग द इशू ऑफ
18,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट पार टू दी, सही है जी, वेंडर। ये कौन है थे हमारे, वेंडर थे। सही है, बात समझ में आ गई, क्लैरिटी हो गई। ठीक, अब यही केस तो सवाल है, लेकिन अब किस पे सवाल है? ये सवाल है प्रीमियम पे। अब प्रीमियम पे कर लेते हैं भैया, पहले नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, शेयर्स निकाल लेते हैं। तो लिख लो भाई, नंबर ऑफ शेयर्स, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए वही फार्मूला, परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। परचेज कंसिडरेशन कितना है आपका? परचेज कंसिडरेशन है जी 1,80,000, बात समझ में आ गई। और आपका इशू प्राइस कितना, 10 + 2 12 रुपीज, भाई 20% प्रीमियम भी तो था, है ना? तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा, ये आपके आ गए 15,000 शेयर्स। ठीक है जी, ये आपके 15,000 शेयर आ गए। सही है जी, अब इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो। तो जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, तो क्या जर्नल एंट्री पास हो जाएगी, राम वो थे आपके परचेज वेंडर्स, तो ये थे आपके गोविंद। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा गोविंद ब्रदर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बात समझ रहे हैं? ठीक है ना, अब आपने ध्यान क्या रखना है कि भी इसकी जो पेमेंट होगी वो तो पेमेंट कितनी होगी, 1,80,000, लेकिन जो नंबर ऑफ शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स हैं 15,000 इंटू 10 रुपीज, कितने हो जाएंगे, 1,50,000, बात समझ में आ गई? सर जो डिफरेंस है ये आ जाएगा मेरे बच्चे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, कितना आ जाएगा बच्चे 2 रुपए के हिसाब से। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ गया, 30,000। क्लियर हो गई मेरी बात, समझ में आ गई? यानी कि यहाँ पर ये जो प्रीमियम की वैल्यू है वो प्रीमियम की वैल्यू क्रेडिट हो जाएगी। सही है, इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे, नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करके इस तरीके से एंट्री पास आउट कर दी। चलिए इसकी नरेशन भी लिख लेते हैं। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग द इशू ऑफ 15,000 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ रुपीज, बात समझ में आ गई, ये आपकी नरेशन भी हो गई। यहाँ पर आपने ये समझा कि कैसे आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे और किस तरीके से ये एंट्री पास आउट करेंगे। अब कुछ चीजें और भी है बच्चे, कि एंट्री पास आउट तो कर ली, क्या सर कुछ और तरीके के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, देखते हैं उनको करके देखते हैं बच्चे। चलिए एक क्वेश्चंस हम ये ले लेते हैं कि भाई कितने कितने शेयर्स हैं और क्या क्या चीजें हैं उसके बिहाफ पर। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, हम समझाते हैं आपको ध्यान से। माधव लिमिटेड परचेज अ रनिंग बिजनेस, एक चलता हुआ बिजनेस ले लिया भाई, फ्रॉम राघव लिमिटेड फॉर अ सम रुपीज 2,50,000 पेएबल। सही है, रुपीज 2,20,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। सही है जी, इतने के तो 2,20,000 के तो आपने क्या करा, पे
कर दिए इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एंड बैलेंस बाय अ बैंक ड्राफ्ट। बाकी जो पैसा बचा वो बैंक ड्राफ्ट से आपने पेमेंट कर दिया। ठीक है सर। द एसेट्स एंड लाइबिलिटी कंस्टिट्यूटेड ऑफ द फॉलोइंग, नीचे आपको बता रहा है कि कैसे कैसे आपने सामान खरीदा। प्लांट एंड मशीनरी आप खरीद रहे हैं ₹90,000 का, बिल्डिंग खरीद रहे हैं ₹90,000 का, डेटर आप ₹30,000 का, स्टॉक ₹50,000 का, कैश ₹20,000 का और सन्ड्री डेटर्स, या ये सन्ड्रीज जो है आपको दे रखी है। यहाँ पर आपने एक ध्यान क्या रखना है कि ये जो सन्ड्रीज हैं वो क्या हैं, तो हम इसको क्योंकि ऊपर तो डेटर दे रखा है, ये आपका है सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर ये आपकी लाइबिलिटी होगी। बात समझ रहे हैं, आपने ये चीजें परचेज करी और यहाँ पर ये लाइबिलिटी ये परचेज कर दी। अब बड़े ध्यान से सुनो कि आपने बहुत सारी चीजें परचेज कर ली है और पेमेंट दी है ₹2,30,000 की। बात समझ रहे हैं ध्यान से, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की समझने वाली बात है और मैं आपको अब बहुत ध्यान से एंट्री समझाता हूँ। ध्यान से सुनिएगा क्या एंट्री होगी। चलिए ध्यान से एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज है, सारी एसेट्स लिख लेते हैं बेटा जो आप आपको मिली है, तो वो सारी डेबिट्स हो जाएगी। दिस इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, फिर क्या खरीदा था, बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, फिर क्या खरीदा था, डेटर सन्ड्री डेब्टर अकाउंट डेबिट। फिर क्या खरीदा था, स्टॉक स्टॉक अकाउंट डेबिट। ठीक है बच्चे, और क्या चीज थी आपने, और क्या चीज खरीदी थी आपने, खरीदा था और क्या था, कैश। हाँ कैश भी तो था, कैश भी करेंगे भैया डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। जी हाँ बच्चे, आप कैश भी परचेज कर सकते हैं क्योंकि वो रनिंग बिजनेस था, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी डेबिटेड में आ गई। तो इनका अमाउंट था मेरे बच्चे 90,000, इसका अमाउंट था बच्चे 90,000, इसका अमाउंट था बच्चे 30,000, देन इनका अमाउंट था 50,000 और ये था आपका 20,000। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने एक क्रेडिटर भी लिया था, तो टू सन्ड्री क्रेडिटर। अब जो सन्ड्री क्रेडिटर था वो था कितने का, वो था जी आपका 20,000 का। क्लियर हो गया, सही है जी। अब जो वेंडर थे उनसे हमारी कितने में बात हुई थी, 2,50,000 में। ओके, तो 2,50,000 में हमारी बात हुई थी, तो इनसे हमने एंट्री करनी है। किससे लिया, राघव जी से लिया, तो टू राघव लिमिटेड। लो जी, राघव लिमिटेड से आपके पास पेमेंट जानी है 2,50,000। बात समझ में आ गई। अब बड़े ध्यान से समझ क्या आपकी डेबिट और क्रेडिट एंट्रियां सेम आ रही हैं, चेक कर लीजिए। यहाँ पर जब आप अमाउंट का फर्क देखेंगे तो ये जो पेमेंट्स आ रही हैं, तो ये जो पेमेंट है ये पेमेंट को एडअप करने पर और ये पेमेंट एडअप करने कर ये आ रहा है 2,70,000, देन दिस इज द 2,90,000। इसका मतलब आपके पास पैसा क्या है, कम। तो जो भी चीजें फर्क आएंगी, तो अगर क्रेडिट साइड पे आपका फर्क आता है तो आप उसको, मैंने बताया था क्या नाम देना है, कैपिटल रिजर्व। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट आ जाएगा, ये आपकी क्या निकलेगी, बैलेंसिंग फिगर निकल आएगी। कितने अमाउंट से, 10,000। बात समझ में आ गई। यही सर आपको बता रहे थे कि गुडविल और कैपिटल रिजर्व का किस तरीके से यूज होता है, और ये ऐसे ही याद रखना है आपने।
बात समझ रहे हैं। तो ये तो आ गई आपकी फर्स्ट एंट्री। अब वेंडर जी को पेमेंट ही ठीक है जी। नाउ पेमेंट जा रही है 2,50,000 की। तो नाउ नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? ये एंट्री हो जाएगी राघव लिमिटेड, सही है जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब बड़े ध्यान से सुनो, आपने जो शेयर थे वो शेयर कितने दिए थे? शेयर दिए थे 2,20,000। तो 2,20,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी 2,20,000, और पेमेंट कितनी थी? 2,50,000 की। तो बाकी कहाँ है? बैंक से पेमेंट करी थी ना आपने, टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट है बच्चे? ये आपका आ गया पेमेंट 30,000। ठीक है, तो इसका नरेशन भी लिख लेते हैं। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग दी कंसीडरेशन पेड टू राघव लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल एंड बैंक। ठीक है बच्चे, ये आपकी बैंक से और उसकी पेमेंट हो गई। बात समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आ गया था कि किस तरीके से आपने रनिंग बिजनेस को परचेज करा और किस तरीके से आपने उसकी जर्नल एंट्रीज को पास आउट कर दिया। बात समझ रहे हैं? नाउ एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे कि हमें क्लैरिटी हो पाए कि सर और कैसे हो सकता है क्वेश्चन। ध्यान से समझो, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको करने की, कि किस तरीके से पेमेंट होती है और कैसे होता है। थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन है, माधव लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स। कितना मेरे बच्चे? ये आपके पास अमाउंट आ गया 15 लाख के करीब है। एंड लाइबिलिटीज कितना है मेरे बच्चे? 5 लाख रुपीज का, ये भी गोविंद लिमिटेड से। पूरा परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन कितना है बच्चे? ये है 13,68,500, एंड ₹25,500 वर पेड बाय इशू आ प्रमोजरी नोट इन फेवर ऑफ गोविंद लिमिटेड। इतने का आपको बिल दे दिया जाएगा। ये आपकी पेमेंट ऐसे कर दी जाएगी, पेबल आफ्टर 2 मंथ्स एंड द बैलेंस वाज पेड, सही है जी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, द प्रीमियम एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, 25%। आपका प्रीमियम कितना है? 25% का। ध्यान से देखो बच्चे, बहुत ही आसान सवाल है कि इतने का हमने सामान खरीदा, इतने की लाइबिलिटी है, इतना परचेज कंसिड्रेशन है और इतना हमने जो है बिल दे दिया आपको, और ये बिल 2 महीने बाद हो जाएगा क्लियर। और इक्विटी शेयर जो है हमारे, उसकी फेस वैल्यू है ₹100, और जो हमारा प्रीमियम चल रहा है इस समय वो चल रहा है 25% के हिसाब से। ठीक है मेरे बच्चे, अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बेटा एंट्री क्या हो जाएगी, पहले वो एंट्री ही कर लेते हैं। तो आपने एसेट्स खरीदा, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है जी, टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। अब बड़े ध्यान से समझो, ये कितने का था? ये था मेरे बच्चे 15 लाख, ठीक। यहाँ कितना पेमेंट है? ये है 5 लाख रुपए, क्लियर हो गया। नाउ उसके बाद आपने जो पेमेंट करी है, सही है जी, वो पेमेंट कितनी है? टू गोविंद, ये थी 13,68,000, ये परचेज कंसिडरेशन था इतने का। मेरी बात समझ में आ रही है? अब बड़े ध्यान से समझो कि सर इसका टोटल
तो बन रहा है 18,68,500 और एसेट्स का बन रहा है 50 लाख। यानी कि इसका डिफरेंस जो आएगा उसका क्या नाम दिया जाएगा? उसका नाम होगा गुडविल। बहुत अच्छे, गुडविल अकाउंट, दिस इज द बैलेंसिंग फिगर। बेटे पहले वाले क्वेश्चन में आपका बैलेंस यहाँ आ रहा था तो उसका नाम कैपिटल रिजर्व, ये यहाँ आ रहा है तो बैलेंसिंग फिगर का नाम गुडविल होगा। आपको बताया कि वो डेबिटेड कर दी जाएगी 3,68,500 रुपीज से। बात समझ में आ गई? नाउ नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग द बिजनेस परचेज्ड फ्रॉम गोविंद लिमिटेड, ये आपने यहाँ पे परचेज कर दिया गोविंद लिमिटेड से। क्लियर हो गया आपके पास मेरे बच्चे? ठीक है, अब दूसरी एंट्री पास आउट करते हैं। दूसरी एंट्री क्या होगी कि गोविंद लिमिटेड को पेमेंट करनी है, तो गोविंद लिमिटेड से बात करते हैं। तो गोविंद लिमिटेड, सही है जी, डेबिटेड टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सुनो सर, इक्विटी शेयर कैपिटल तो लिख दिया, लेकिन हमारा जो था वो प्रीमियम पर था वैल्यू, तो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर लेते हैं ना सबसे पहले। तो नंबर ऑफ शेयर्स ये आ जाएगा परचेज कंसिडरेशन, सही है जी, डिवाइडेड बाय, सही है। यहाँ पर एक चीज और भी करनी पड़ेगी कि कुछ पेमेंट आपने बैंक से दिया है, तो दिस इज द माइनस पेमेंट थ्रू पेमेंट दी गई है आपकी थ्रू किससे गई है? ऑफ प्रमोशनरी नोट। अब आपने ये चीज डिवाइड करनी है, डिवाइडेड बाय, हाँ, इशू प्राइस। बड़े ध्यान से समझो मेरे बच्चे, ये जो परचेज कंसिडरेशन है वो कितना है? 13,68,500। इसमें से कितना पेमेंट जा रहा है? 25,500। और आपके पास इशू प्राइस कितना है? 100+25, ठीक है बच्चे, 25 प्रीमियम था ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,10,744 शेयर्स। ठीक है बच्चे, ध्यान रखना है आपने इस तरीके से। बेटा जो पेमेंट करते हैं ना वो पेमेंट परचेज कंसिडरेशन से कम होगी यहाँ पर, ये वाली चीज ध्यान से देखो। अब आपने जर्नल एंट्री पास आउट करनी है, तो ये जर्नल एंट्री पास आउट हो जाएगी गोविंद, सही है जी, इसके तो अमाउंट में जाएगा 13,68,500। बस समझ में आ गया। और नेक्स्ट आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 10,744 शेयर कितने के हिसाब से? 100 के हिसाब से, तो आपके पास ये पेमेंट चली गई 1,74,400। ठीक, अब पेबल है बिल्स का भी, तो टू बिल पेबल,
सही है जी, बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट। तो बिल्स पेबल में कितना था आपका? 25,500। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? नाउ अब जो प्रीमियम की वैल्यू है वो लिखनी पड़ेगी। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये कितना आएगा आपका? सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा 2,68,600। ठीक है बच्चे, ये आपकी इस तरीके से पेमेंट हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर आपने बिल पेमेंट करी है। क्लियर हो गया? देखो बच्चे, ये क्वेश्चंस कराए हैं, इनकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद ये क्वेश्चंस आपको आने लगेंगे।